हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम बलराम यादव और आज इस वीडियो में हम पार्ट एक के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। देखिए, हमने ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली तो इस वीडियो में उस पूरी ज्योमेट्री का एक समरी टाइप से होगा कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन रिजल्ट के अलावा आपको क्वेश्चन में और कुछ अप्लाई नहीं करना होगा। देखिए, अभी तक हमने जो भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन सोल्व किए वहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट यूज हो रहा था, उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई कर रहे थे, मतलब दो तीन रिजल्ट का कम्बिनेशन था। लेकिन इस वीडियो में जो रिजल्ट बताएंगे वहाँ से डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप की कोई फिगर होगी और फिगर में वो हमसे एक एंगल बता देगा और दूसरे एंगल की मेजरमेंट हमसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे चूज किया गया है। किसी ने पूछा था कि दिसंबर 2017 का ये 15 क्वेश्चन है, वो यहाँ पे सोल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन, और इसके पहले हम इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं वो हम यहाँ पे एक बार आपको जल्दी से बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगर कोई भी एक सर्कल होता है, ठीक है, इसके ऊपर दो पॉइंट होते हैं, हमने मान लिया दो पॉइंट क्या है, ए एंड बी, ओके। तो इस पॉइंट के बीच की जो कर्व लेंथ होती है, ये वाली कर्व, इसको बोलते हैं हम आर्क, ओके। तो इन पॉइंट्स के बीच में दो आर्क होती है, एक ये वाली आर्क, एक ये ऊपर से भी ले सकते हैं हम, ये भी आर्क है। तो नीचे वाले क्या बोलते हैं हम, माइनर आर्क, ऊपर वाले को मेजर आर्क। और अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या होता है, कोड बोलते हैं इसको, ये सभी को पता है। और सर्कल में सबसे क्या होते हैं, मैक्सिमम लेंथ के कोड कौन से होते हैं, डायमीटर, जो सेंटर से पास होता है। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इस कोड और इस कर्व के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट, ओके। अगर ये माइनर आर्क के साथ है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और अगर ये एरिया मेजर आर्क के साथ है, मतलब ये ऊपर वाली साइड का, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ओके, ठीक है। सेगमेंट की बात समझ में आएगी। इसके बाद आता है, और यहां पे इस क्वेश्चन में क्या था, क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट। इसको यहां से दो रेडियस जो परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, दो रेडियस जो परपेंडिकुलर होती हैं और ये जो आर्क है उनके बीच में, इस एरिया को हम बोलते हैं सर्कल का एक क्वार्टर, ये 1/4 पार्ट होता है। क्वार्टर का मीनिंग आपको वैसे भी पता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, सेक्टर आता है। ये रेडियस क्या थी, परपेंडिकुलर थी, इसलिए इसको क्वार्टर बोला। अगर ये परपेंडिकुलर, कोई भी दो रेडियस जो परपेंडिकुलर ना हो, एक एंगल एक्स बनाए, ठीक है, तो इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच में क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर, ओके। ये होता है सर्कल का एक सेक्टर। लेकिन हम क्या बात करें, हमने ये दो रेडियस ली, ये माइनर आर्क ली, अगर ये मेजर आर्क ले ली इन दोनों रेडियस के साथ, तो जो ये वाला नीचे वाला एरिया है ये क्या बचेगा, ये क्या होगा, मेजर सेक्टर, ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो गया, माइनर सेक्टर। तो सेगमेंट पता चल गया, कोड और कर्व के बीच, आर्क के बीच होता है सेगमेंट, दो टाइप के सेगमेंट हो गए। फिर आया सेक्टर, दो रेडियस और कर्व के बीच के एरिया क्या बोलते हैं, सेक्टर। अगर कर्व क्या हो, वो आर्क माइनर हो तो माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क हो तो मेजर सेक्टर। इसके बाद सेक्टर में अगर इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल 90 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। इसके बाद इन्हीं में इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं एंगल से रिलेटेड, देखिए वो क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा यहाँ से, हमें एंगल फाइंड आउट करना। आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लिए, वहाँ पे ऐसा आपको मोस्टली 90% एक क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करवाता है। तो देखिए वो सारे रिजल्ट यहाँ पे मैं एक फिगर में आपको समझा रहा हूँ, जल्दी से आप इनको देख लेना, आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको रिवाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे दो पॉइंट को मिलाने से क्या बनती है, कोड बनती है सर्कल में, ये क्या होगी, कोड होगी। और कोड और कर्व के बीच में क्या बताया हमने, क्या बनता है, सेगमेंट बनता है, एक ये सेगमेंट, एक ऊपर वाला सेगमेंट। तो सर्कल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि कोई भी एंगल, कितने भी एंगल हो सेम सेगमेंट में, वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो एंगल कहाँ बनता है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, मतलब सर्कल के ऊपर। देखिए ये क्या है, एक सेगमेंट है ऊपर वाला, नीचे वाला भी एक सेगमेंट है, तो एंगल कहाँ से बनेंगे, इस सेगमेंट से, जो एंड पॉइंट है ना, जहाँ से ये सेगमेंट डिवाइड हुए उन पॉइंट से हम एंगल बनाए अगर सर्कल के ऊपर, इस टाइप से एक एंगल ये बना दिया, यहाँ से कितने भी एंगल आप ड्रॉ कर लो, लेकिन ड्रॉ कहाँ करने हैं, सर्कल के ऊपर ड्रॉ करने हैं। तो ये सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके, मतलब सेम सेगमेंट में एक साइड हो किसी कोण के ऊपर, या तो
ऊपर वाली साइड या नीचे वाली, सिर्फ एक साइड वाले एंगल, सभी एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर हम नीचे की साइड बना दें एंगल्स, ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हम बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। सेगमेंट बता दिया था, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ऊपर वाले एंगल में इस कोण के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। और इसके बाद आता है एक ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है, इस सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहा है, डायमीटर है, ठीक है। इस डायमीटर के ऊपर जो भी एंगल बनेगा सर्कल के ऊपर डायमीटर को लेके, वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, आपको पता होगा। इसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। ये एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, ये एंगल हमेशा 90 का बनेगा। और ये ठीक है, चाहे कितने भी एंगल बनाना हो, डायमीटर के ऊपर वाला एंगल क्या होगा, हमेशा 90 का होगा, ये भी पता लग गया। आप लास्ट रिजल्ट है ये इस सेक्शन का, सर्कल के अंदर एंगल से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कोण है, ठीक है, तो ये कोण यहाँ पे सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगा, ओके। ये एंगल हमने मान लिया क्या है, वाई है, और ये कोण सर्कल के ऊपर भी एंगल बनाएगा। तो हमने बताया इस कोण के ऊपर, अगर सर्कल के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे सेम होते हैं, लेकिन एक एंगल क्या है, सेंटर के ऊपर, एक क्या है, सर्कल के ऊपर। तो ये सेंटर वाला एंगल क्या होगा, हमेशा इससे डबल होगा। किस पे बनना चाहिए, सेम कोण पे होना चाहिए ये दोनों एंगल, एक सेंटर पे एक सर्कल पे। तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, इस सर्कल वाला एंगल से डबल होगा। तो इन्हीं का यूज करके हमें सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करना। देखो इसमें इसने फिगर बना के हमें कन्फ्यूज कर दिया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये रिजल्ट पता होगा, ठीक है, कौन सा रिजल्ट, जो मैंने बताया अभी, क्या बताया कि एंगल ये वाला जो सेंटर पे एंगल होता है ये हमेशा सर्कल वाले एंगल से डबल होता है। इसने इस फिगर को थोड़ा सा डिस्टोर करके यहाँ पे बना दिया, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया फिगर को, और आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए अब देखिए इसी रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखें तो मे बी आप इसको सोल्व कर चुकेंगे, आपका आंसर आ चुका होगा। चल फिर भी हम एक बार इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्री क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, दो रेडियस और कर्व के बीच में जो सेक्शन बनता है, जो एरिया बनता है, उसको क्वार्टर बोलते हैं। और ये रेडियस क्या होता है, उसके बीच में 90 का एंगल तो होता है। तो इसने बोला थ्री क्वार्टर ऑफ ए सर्कल इज सोन इन द फिगर, इस फिगर में तीन क्वार्टर दिखाए गए। देखिए टोटल कितने क्वार्टर थे, फोर, एक क्वार्टर इसने यहाँ से गायब कर दिया और यहाँ पे तीन क्वार्टर हमारे पास, ओके। और इसके बाद इसने बोला OA एंड OB आर टू रेडियस, OA एंड OB आर टू रेडियस ये हमें दिख रही हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि क्वार्टर है, ईच अदर, सी इज पॉइंट ऑन द सर्कल, और सी को एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, और ये दोनों लाइन इसने ज्वाइन कर दी, और हमसे ये एंगल पूछा इसने, एंगल सी बताओ। तो देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है ये एंगल क्या होता है, वाई, एक्स का हमेशा अब डबल होगा क्योंकि सेम कोण के ऊपर है। तो यहाँ पे भी देखिए इसी चीज़ को इसने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिख दिया, आपके दिमाग को ये क्या कर रहा है, कन्फ्यूज करना चाह रहा है। देखिए क्या है यहाँ पे कोण, ए बी है, ए बी के ऊपर ये दोनों एंगल है, एक एंगल कहाँ है, सेंटर के ऊपर, एक एंगल कहाँ है, सर्कल के ऊपर। तो हमें पता है सेंटर वाला एंगल इस एंगल का हमेशा डबल होता है, मीन्स ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल क्या है, 90 का, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 45। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। और ऐसे क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में आते हैं, 90% एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।